to my channel UV Science, where we are going to enjoy the easiest way, finest way, and the simplest way. And this is the place, बच्चों लोग, जहाँ पे आप साइंस के प्रैक्टिकल्स और डेमो पढ़ते हैं. आज फिर से हम एक नया डेमो और एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिपेंड होती है लेंथ के ऊपर में. अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे किसी एयर कॉलम की तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी या कम होंगी. अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हमें लेंथ कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, कैसे वो बिहेव करती है, उसके बारे में आज हमको यहाँ पर पढ़ना है. तो एक नया वीडियो आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं नए कंसेप्ट के साथ में, और वो है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ. तो जनरली अगर हम फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन देखेंगे तो वो क्या है, बहुत से लोगों को फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो पता नहीं है. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड. लेकिन लेंथ के साथ कैसे वेरी होती है वो भी हमको यहाँ पे देखना, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे हमको डिस्कस करना है. इस वजह से मैं हूँ रोशन शेख और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेशन. तो देखते हैं क्या होता है. जनरली हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक बॉडी है, सपोज हमारे पास में एक बॉडी है, और एक सपोज हम बॉडी बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, जो मोशन करेगा, तो उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, और वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी को पता है एक्चुअली. डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स हम बोलेंगे वेलोसिटी. यस, तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे डी फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी फॉर टाइम, और उसका यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, ठीक है. लेकिन जो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है ये वेव से रिलेटेड है, एक वेव मोशन से. बट वेव मोशन क्या है, वेव मोशन इज सिंपली वी विल से दैट कि भैया वेव मोशन जो है वो पार्टिकल का ऑसिलेशन ही है, कोई दूसरी चीज नहीं है, ठीक है. तो जनरली अगर हम यहां पर देखें कि सपोज यहां पर हमारे पास में बॉडी ना रहते हुए एक वेव हम ले लेंगे यहां पर, ठीक है. सो वेव जो कि ऑसिलेशन ही है, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन, वी विल से कि वो एक वेव पैटर्न बनाएगा. तो देखते हैं कि यहाँ पे वेव के लिए हमको वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं. तो पहले समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या है वेव की, तभी जाके आप वहां पर वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ में आप वहां पर लेंथ का कंसेप्ट आएगा, और वो लेंथ के कंसेप्ट से आप फ्रीक्वेंसी वहां पर डिटरमिन कर सकते. तो देखेंगे कैसे करके. तो जनरली ये आपको पता है वेव पैटर्न है. आने वाले कुछ वीडियोज में और लेक्चर के अंदर में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप वेव के साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है, वेव के साथ में खेलेंगे, ठीक है. तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है. तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको क्रेस्ट बोलेंगे हम, ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है उसको हम ट्रफ बोलेंगे. दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक साइकिल बनता है, ठीक है, और उस कंप्लीट साइकिल के लिए कुछ तो भी हम बोलेंगे टाइम लगेगा, तो उसको हम वहां पे टी बोल देंगे, ठीक है, वेव के लिए. और साथ ही साथ हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस उसने उस साइकिल में कंप्लीट किया वो है वेव की लेंथ, मतलब वेवलेंथ, ठीक है. तो अब उसका फॉर्मूला वेलोसिटी फिर सेम हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. सही है, आप भी बोलेंगे शेख सर, हाँ बिल्कुल सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन सर यहाँ पे तो वेव की बात कर रहे हैं ना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एक बॉडी की बात कर रहे थे आप, लेकिन यहाँ पे एक वेव की बात कर रहे थे. सर वेव के लिए डिस्टेंस वर्ड सही नहीं है, तो आप क्या करें वहां पे वेव की लेंथ ले लेंगे. फिर वेव की लेंथ मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी है आपकी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पहले वेवलेंथ, ठीक है, अपॉन टाइम तो सेम मिलेंगे भैया टाइम. तो वेवलेंथ मींस लैम्बडा, जो कि एक साइकिल के अंदर में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, किसने, ये वेव ने, और टाइम लगने वाला उसको टी, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी वी. देखो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लैम्बडा अपॉन टाइम टी, ठीक है. इसको लिखने का तरीका है कि भैया आप यहाँ पे बोल सकते वी इज इक्वल टू यन, यन मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रिक्वेंसी इन टू लैम्बडा. लेकिन अब आपको यहाँ पे दिखाना है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो आप अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो लैम्डा को नीचे भेज दो, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वी विल से दैट वेवलेंथ, मतलब वी बाय लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे. तो आप बोल सकते वी इज सॉरी फ्रीक्वेंसी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लेंथ कम ज्यादा होंगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होंगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर लेंथ बढ़ गई फ्रीक्वेंसी कम, और लेंथ अगर कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा. तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास में यहां पर एक क्या है, टेस्ट ट्यूब है. किस तरीके से हम देखेंगे कि एयर कॉलम, इसकी अभी लेंथ पूरी कंप्लीट है, सिर्फ एयर ही है उसके अंदर में मीडियम, लेकिन हम वाटर ऐड कर इसकी लेंथ कम करेंगे, और जब हम इसकी लेंथ कम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहां पर फ्रीक्वेंसी असर करेंगी या फिर कम या ज्यादा होंगी. तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेट्स कम बैक टू द आवर डेमोन्स्ट्रेशन.
फार्मूले में आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यहाँ लिख देगा थोड़ा कट कट रहा है वहां पे, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लेंथ कम ज्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा होंगी, मतलब वो डिपेंड करती है। दूसरी बात, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें हम वाटर इंजेक्ट करेंगे और फिर इसकी जो लेंथ है कम कम होंगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी। अब ये खाली है, हम इसमें एयर ब्लो करेंगे तो कैसे साउंड आपको आएगा, तो आप इंजॉय करेंगे इसको, रफ आवाज आ रहा है भी देख रहे हैं आप, क्योंकि लेंथ ज्यादा है एयर कॉलम की तो फ्रीक्वेंसी जाहिर है कम होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, अगर वेवलेंथ मतलब लेंथ कम हो जाएगी तो आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम आएंगी, और आप देख रहे हैं कि आवाज भी कैसे आ रहा है, उसका साउंड भी कैसे अलग ही आ रहा है। एक बार और हम इसको रिपीट करेंगे, सही है। अब थोड़ा वाटर इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर में हम बाय यूजिंग दैट इंजेक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें कुछ तो भी वाटर ऐड कर दिया, मतलब इसकी लेंथ अब कम कर दी है हमने। साउंड में चेंज आया, मतलब आपकी लेंथ यहाँ पे कम होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो। और थोड़ी लेंथ हम यहाँ पे कम कर देंगे इसकी, ठीक है, और देखेंगे क्या होगा। जाहिर सी बात है साउंड चेंज होगा और होना भी चाहिए, कितना प्यारा साउंड आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम थोड़ी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, है ना, इंक्रीज नहीं कर रहे एक्चुअली, लेंथ यहाँ पर है ना कम कम हो रही है क्योंकि उसकी जगह कौन ले रहा है यहाँ पर, एयर सॉरी वाटर, तो वाटर इसकी जगह ले रहा है तो लेंथ कम कम हो रही है अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में। यू आर गोइंग टू बी से कि नहीं सर उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है, आवाज की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है मतलब लेंथ कम हो रही है, ये ख्याल में रखो आप, ठीक है। और थोड़ा इसमें वाटर ऐड कर देंगे हम, देखो आप देख सकते हैं कि अब इतनी सी ही लेंथ बाकी रहेगी, वहीं से जो आपका एयर है वो रेजोनेट होकर बाहर साउंड में क्रिएट होगा या फिर साउंड के फॉर्म में आएगा। देखेंगे आप साउंड कैसे आएगा, आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड साउंड आ रहा है। तो दैट इज द रिलेशन, तो किस तरीके से इजिएस्ट वे के अंदर में हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर में। जब ये खाली था तो लेंथ इतनी थी, जब ये भरते भरते गए तो अब लेंथ इतनी हो गई है, तो लेंथ कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ नया लेकर आएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे, थैंक यू।